तो भाई लोग, मैं हूँ काशिफ और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं पठान टू की। पठान टू को लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इस तरह की बातें बताई जा रही है कि भाई पठान टू जितने भी बड़े बड़े रिकॉर्ड है दोस्तों, जैसे कि जवान हो गया वो की शाहरुख खान की फिल्म है, जैसे कि RRR हो गई, बाहुबली 2, सबका रिकॉर्ड तोड़ने वाली है दोस्तों पठान टू जब बॉक्स ऑफिस पर आएगी। आज हम पठान टू के बारे में कई सारी बातें करने वाले हैं, कई सारी आपको अपडेट देने वाले हैं दोस्तों। वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें भाई साहब। दोस्तों आप सबको तो पता है कि पठान मूवी ने दोस्तों भाई साहब बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया था। किसी ने भी, शाहरुख खान के फैंस ने ये नहीं सोचा था कि भाई एक फिल्म आएगी जिसका नाम होगा पठान, जिसके पीछे दोस्तों भाई साहब पूरा बॉयकॉट गैंग पड़ा हुआ था पीछे। लेकिन दोस्तों शाहरुख खान ने अपने स्टारडम के दम पर पूरे बॉयकॉट गैंग को भाई अपने पैरों तले रौंद दिया दोस्तों। भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो ये माहौल मैंने भी देखा था, ये माहौल आपने भी देखा दोस्तों। एक तरफ लोग खड़े थे कि भाई पठान मूवी को गिरा देंगे, सड़क पर ले आएंगे, शाहरुख खान का मन्नत बिकवा देंगे, शाहरुख खान को चने बिकवाएंगे दोस्तों। भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो फिर ऊपर वाले ने दोस्तों क्या करा, ये किसी ने नहीं करा, सब ऊपर वाले ने कराया दोस्तों। इसका उल्टा हो गया, बॉयकॉट गैंग सीधे थे फिर दोस्तों उल्टे हो गए, यानी कि दोस्तों जिस इंसान की बुराई कर रहे थे आज वो उसके पैरों तले दबे हुए हैं दोस्तों। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं भाई साहब यहां पर देखा जाए तो। दोस्तों पठान 2 ने 1000 करोड़ से भी ज़्यादा दोस्तों बिजनेस करा था बॉयकॉट होने के बाद भी दोस्तों। कई सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई बॉयकॉट हो गई, ये हो गया, वो हो गया दोस्तों, कि भाई साहब यहाँ पर शाहरुख खान ने कभी ज़िंदगी में 1000 करोड़ नहीं कमाए, तो बॉयकॉट किंग के चक्कर में दोस्तों यहाँ पर इस मूवी ने 1000 करोड़ कमा लिए। दूसरे फिर भाई कुछ महीनों बाद दोस्तों, जनवरी मतलब 9 महीने बाद फिर से शाहरुख खान की फिल्म आई दोस्तों जवान। जवान मूवी ने पठान से भी ज़्यादा दोस्तों बिजनेस करा, उसने कमाए थे 1050 करोड़ पठान मूवी ने। वहीं दोस्तों वहां पर जवान मूवी ने कमाए 1160 करोड़ रुपए भाई साहब यहां पर देखा जाए तो। जो कि भाई बॉयकॉट गैंग के मुंह पे फिर से एक दोस्तों रैप्टा लगा, उन लोगों के मुंह पे रैप्टा लगा जो लोग ये कह रहे थे कि शाहरुख खान का तुक्का लगाए और भाई उसने पठान से 1000 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस करा दोस्तों। फिर आई डंकी मूवी, और डंकी मूवी में दोस्तों भाई साहब प्रभात जी आ गए दोस्तों। प्रभात जी ने दोस्तों भाई डंकी मूवी का जो दोस्तों कलेक्शन है उस पर थोड़ा फुल स्टॉप लगाया दोस्तों, वरना शाहरुख खान आज हैट्रिक 1000 करोड़ कमाने वाला एक पहला इंडियन एक्टर बन जाता दोस्तों। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं भाई साहब यहां पर देखा जाए तो। तो गाइस पठान 2 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इस तरह की बातें बताई जा रही है कि भाई पठान 2 जब बॉक्स ऑफिस पर आएगी दोस्तों, पठान 2 जब बॉक्स ऑफिस पर आएगी, जब इसका रिलीज डेट दोस्तों करीब आएगा, तो ये बड़े बड़े रिकॉर्ड जो कि तुर्रम खा रिकॉर्ड है दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप RRR हो गए, बाहुबली हो गया, जैसे कि तो RRR हो गए दोस्तों, ऐसी कई सारी फिल्में जो कि भाई बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के सर पर बैठी है दोस्तों। इस तरह की बातें बताई जा रही है कि भाई आने वाली फिल्म पठान 2 सबका रिकॉर्ड तोड़ेगी और मूवी हिंदुस्तान की साउथ तमिल कनाडा मिलाकर हिंदुस्तान की नंबर 1 मूवी बनेगी दोस्तों। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। तो गाइस पठान 2 की जो शूटिंग चालू होगी वो किंग मूवी के बाद होगी दोस्तों। अभी इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों, अभी वार 2 मूवी आएगी, अभी भाई अभी रिलीज़ के लिए तैयारी, अगले साल जनवरी के महीने में वार 2 मूवी आएगी, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। फिर दोस्तों इस तरह की बातें बताई जा रही हैं कि भाई एक फीमेल स्पाई यूनिवर्स आएगी। फिर दोस्तों टाइगर वर्सेस पठान भी आ सकती है दोस्तों, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। सॉरी दोस्तों, फीमेल स्पाई यूनिवर्स के बाद पठान 2 आएगी, फिर दोस्तों टाइगर वर्सेस पठान मूवी बन सकती है। अभी ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है कि भाई पठान वर्सेस टाइगर आ रही है दोस्तों, अभी इसका कंफर्म नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं। लेकिन दोस्तों अगर टाइगर वर्सेस पठान आएगी वो पठान 2 के बाद आएगी, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी इस मूवी के जो डायरेक्टर साहब हैं वो लोकेश कनक राज हैं, पहले भाई सिद्धांत आनंद है, लेकिन दोस्तों वायरफ का कहना है कि हम हर मूवी में अपना डायरेक्टर चेंज करेंगे दोस्तों। जैसे कि पहले पठान 2 का सिद्धांत आनंद था, अब दोस्तों लोकेश कनकराज हो गया दोस्तों पठान 2 का डायरेक्टर, जो कि साउथ का सबसे बड़ा सुपरस्टार है दोस्तों डायरेक्टर के मामले में। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहां पर देखा जाए तो। बाकी आप पठान 2 के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कितनी बड़ी हिट होगी दोस्तों पठान 2, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नया चैनल सपोर्ट करना भाई साहब।